नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में अपराधी इन दिनों बेखौफ हो गए हैं। इससे पहले गोपालगंज में अपराधियों ने मुखिया को निशाना बनाया। अब जो खबर है भागलपुर से सामने आ रही है, भागलपुर के सुल्तानगंज के उपसभापति के पति को अपराधियों ने गोली मार दी है। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदमाशों ने दिन दहाड़े नगर परिषद के उपसभापति नीलम देवी के पति रामदीन यादव को गोली मार दी। घटनाक्रम में दो लोगों के सामने होने की जो बात है वो सामने आ रही है। वहीं मामले को लेकर घायल रामदीन की पत्नी नीलम देवी का कहना है कि दो बाइक सवार युवक रामदीन के सीमेंट बालू के दुकान पहुंचे और भागलपुर जाने का पता पूछा। काउंटर से निकलते ही दोनों बदमाशों ने रामदीन यादव पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली की आवाज़ सुनने पर परिजन और आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और एक बदमाश को धर दबोचा। हालांकि दूसरा मौका देखते ही फरार हो गया, जबकि स्थानीय ग्रामीणों ने बदमाश की जमकर पिटाई की है। वहीं घायल को आनन फानन में सुल्तानगंज ले जाया गया, जहां उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने जिले के मायागंज अस्पताल में रेफर कर दिया है। देखिए इस मामले को लेकर भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार का क्या कुछ कहना है। रामधनी उनका नाम है और 60 वर्ष लगभग उम्र है। सुल्तानगंज में बाईपास के पास इनका घर है और घर के सामने ही दो युवक आए। लगभग एक डेढ़ घंटे पहले की घटना है और उसमें भागलपुर जाने का रास्ता पूछा और इनको देख के एक गोली मारी। अभी इनका इलाज चल रहा है और जो मारने वाले युवक है वो भी पकड़े गए हैं। ठीक है, और उससे भी पूछताछ पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है कि इस गोली मारने मतलब मरवाने के पीछे और भी कौन किन किन लोगों का हाथ है। जो DSP लॉ एंड ऑर्डर है डॉक्टर गौरव, उनके नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया है और SIT इस पूरे मामले को विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और कार्रवाई कर रही है। इसमें और भी जितने लोग, एक लोग पकड़े गए हैं, और भी जितने लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग यथाशीघ्र कर रहे हैं। सर, घटनाक्रम को देखकर क्या लग रहा है, आपसी रंजिश का मामला है या कुछ और? प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश का मामला लग रहा है, क्योंकि इस जिस तरीके से इनको ही टारगेट करके और सटीक गोली फायर की गई है, ऐसा लग रहा है कि आपसी रंजिश का मामला है। और इसके जितने भी बिंदु हैं सभी बिंदुओं पर हम लोग गहन छानबीन कर रहे हैं और जल्द ही जितने भी इसमें सम्मिलित जो बचा हुआ एक अपराधी है वो और इस पूरे साजिश में जितने लोग सम्मिलित हैं सबकी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जो एक पकड़ा है उनको भी मारा पीटा गया है, पब्लिक के साथ पब्लिक ने कुछ मारपीट किया है, हम लोग उसका भी इलाज करवा रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं। तो आपने सुना कि आनंद कुमार ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए जो है छापेमारी की जा रही है और जिस अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ा है उससे भी पूछताछ किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ही परिवार जो है अब सुरक्षित नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे खबरें बिहार से सामने आती रही है जहां पर मुखिया के पति या फिर वार्ड मेंबर को भी निशाना बनाया गया। अब जो खबर है वो सुल्तानगंज से है। सुल्तानगंज के उपसभापति के पति को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मार दी है। वहीं इस घटना को लेकर देखिए जो उपसभापति हैं नीलम देवी वो क्या कुछ कह रही हैं। बस इतने बात बोले बस गोली मार दी। जब आवाज़ सुने हम लोग मार दिए तो सुबह में की करें कुछ नहीं, दुकान है ना, दुकान अपना है, बालू गिट्टी छर बेचते हैं। दुकान पे कुर्सी पे बैठल थे कुर्सी पे और दो लड़का मोटरसाइकिल से आया, बोला कि भागलपुर जाने का रास्ता कौन है, तो वही भागलपुर जाने का रास्ता बताए कि होके जाता है था आगे में बजरंगवाली है, बजरंगवाली होके भागलपुर जाते हैं। बस इतने में वो छोटकी सामान निकाल के अचानक गोली मार दिए। बहुत आदमी जो है दौड़ के, एक लड़का मोटरसाइकिल वाला तो भागिए गया, लेकिन एगो जो पाछे में बैठा जो गोली मारा ना वो पकड़ा गया है। जी नहीं, वो लड़का को पहचान में ना आता है, नहीं पहचानते। जी नहीं, क्या लग रहा है, कोई आपसी रंजिश? जी नहीं, ना
उनसे हमको कोई दुश्मनी अभी तो दुश्मनी अभी कोई किसी से टेंशन नहीं चल रहा है। पहले भी कभी मारने का कोशिश किया है? जी नहीं, जी नहीं। किस चीज का दुकान आपके चलाते? दुकान छर गिट्टी सीमेंट यही सब, सीमेंट का दुकान है, बालू बेचते हैं, सीमेंट गिट्टी भी। जी नहीं, दुश्मनी तो है, इलेक्शन के लेके दुश्मनी है। वो बहुत आदमी को जो है 20 लाख 25 लाख दे के मरवाने के लिए कोशिश कर रहे थे, बहुत आदमी दुश्मनी है हमको, लेकिन वो आदमी। अब तो आपने सुना कि नीलम देवी ने घटना की पूरी जानकारी दी कि जो बाइक सवार दो अपराधी आते हैं भागलपुर जाने का रास्ता पूछते हैं, जैसे ही रामदीन यादव काउंटर से बाहर निकलते हैं फिर उनके ऊपर गोलियां छोड़ दी जाती है, और गोली का आवाज़ सुनते ही जो आसपास के ग्रामीण हैं और उनके परिजन हैं वो पहुंचते हैं, और दो अपराधियों में से एक अपराधी को पकड़ लिया जाता है और जमकर पिटाई की जाती है। अभी जो पुलिस है इस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।